दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गुरविंदर होम्स पर। दोस्तों आज का घर हमारा बहुत ही ख़ास है और सेकंड फ्रॉम द पार्क, इसके साथ एक प्लॉट है, उसके बाद आपका पार्क आ जाता है। वो सेक्टर 77 के अंदर है मोहाली की, जो कि गमाडा की प्रॉपर्टी जिसे हम कह सकते हैं, बिल्कुल रोड के पास है और घर जो है वो और भी शानदार है। पूरा 5 मरले का हमारा घर है आज का। 30 फीट का इसका फ्रंट रहेगा और इसकी जो डेप्थ है वो 48 फीट की रहेगी। फ्रंट डिज़ाइन बहुत ही अच्छे से कवर किया गया है, डिज़ाइन किया गया है। अब सामने की तरफ देखिए, जो पार्किंग है हमारे पास काफ़ी अच्छी है। एक गाड़ी हमारी अंदर खड़ी हो सकती है और एक साइड पे। और जैसे ही हम एंटर करते हैं, हमारे पास जो फ्लोरिंग है सारी सामने की ओर जो आती है सारी ग्रेनाइट की, वो तो ग्रेनाइट में भी अच्छा डिज़ाइन दिया गया है। तो फ्रंट सारा का सारा जो है वो टाइल्स के साथ कवर किया है, बिल्कुल यूनिक डिज़ाइन के साथ दिया गया है। ये नॉर्मल सा डिज़ाइन नहीं है, एक अच्छे डिज़ाइंस के साथ पूरा घर दिया बनाया गया है। यहाँ हम अपने 2-व्हीलर्स लगा सकते हैं। खिड़कियाँ काफ़ी बड़ी बड़ी हैं हमारे घर की, बिल्कुल फ्रेम बने हुए हैं यहाँ पर हमारे पास। और जो हमारा फ्रंट एंट्रेंस डोर है वो काफ़ी बड़ा सा शानदार सा, पहले हमारे पास वायर मैच डोर है जो कि हमारा 8 फीट की हाइट है और विड्थ भी काफ़ी अच्छी है। इजीली जो हमारा हैवी फर्नीचर होता है या बड़ा फर्नीचर होता है वो घर के अंदर जा सकता है, तो यहाँ से रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसके बाद जो हमारा मेन एंट्रेंस डोर है बिल्कुल वुडन, आपको जो है पूरा डिज़ाइनर टीक वुड मिलेगा, कोई ऐसा नॉर्मल वुड नहीं होगी। यहाँ पर अपने आप में एक खास चीज़ रहती है ये, बहुत ही प्यारी सी पॉलिश के साथ, सॉफ्ट टच के साथ। और इस घर की एक खासियत और है दोस्तों कि पूरे घर के अंदर आपको जो है मार्बल मिलेगा, कटनी मार्बल। और जो हमारे दोस्त हैं जिन्हें मार्बल से बहुत पसंद है, ये घर खास उनके लिए है, हमारे दोस्तों के लिए। और दोस्तों एंट्रेंस में हमारे पास एक वॉशरूम है जो हमारा गेस्ट के लिए है, इसे पाउडर रूम भी कहा जाता है। तो आपके घर में अगर कोई गेस्ट आता है उसे ज़रूरत नहीं है आपके बेडरूम से होकर बाथरूम जाने की। और यहाँ पर हमारे पास हमारा ड्राइंग एरिया, एक छोटी सी पार्टीशन के साथ एक प्यारा सा खूबसूरत सा बड़ा सा ड्राइंग एरिया। आप देखिए 21x13 की इसकी जो डायमेंशन रहेगी, काफ़ी बड़ा साइज़ है। इजीली आप जो है यहाँ पर बड़ा सा जो अपना सोफ़ा सेट है वो रख सकते हैं। और सीलिंग की अगर मैं बात करूँ तो यार वुडन के साथ एक अलग डिज़ाइन दिया गया है, नॉर्मल सीलिंग्स वाली सीलिंग नहीं है इसकी, बिल्कुल प्यारी सी डिज़ाइन वाली सीलिंग है। और यहाँ से आपके बाहर का व्यू बहुत ही शानदार सा व्यू हमारे घर से बाहर की तरफ का। तो स्पेस के मामले में यहाँ पर कोई कमी नहीं है, आपके पास इतनी अच्छी स्पेस है, आप इजीली कहीं पे भी कुछ भी रखिए, कोई चीज़ आपको ऐसा नहीं रहेगा कि यार यहाँ कमी रह गई, यहाँ पर कुछ और होना चाहिए था, कुछ और खुला होना चाहिए था। 5 मरले के अंदर डिज़ाइन वाकई बड़ा खूबसूरत बनाया है। आप किचन ही देख लीजिए, किचन आपकी बिल्कुल यू शेप के अंदर है, 12x8.5 फीट की इसकी जो रहेगी डायमेंशन रहेंगी। और प्यारा सा आपका देखिए ब्लैक ग्रेनाइट लगा है, नीचे ग्रे है, ऊपर से सारा वाइट है, एक अच्छा काम यहाँ पर दिया गया है। पूरा प्रॉपर पूरे कैबिनेट्स हमें यहाँ पर पूरे मिलते हैं, ऊपर नीचे डबल लैमिनेशन है, जितने भी कैबिनेट्स हमें यहाँ पर मिलते हैं, एक अच्छे कलर कॉम्बिनेशन के साथ यहाँ पर पूरी की पूरी किचन डिज़ाइन की गई है। ऊपर भी प्रॉपर स्पेस है, ज़्यादा हाइट पर नहीं है, इजीली आप जो बर्तन है ऊपर नीचे कुछ भी आप रख सकते हैं, जितनी स्टोरेज है आपकी। कैबिनेट्स में यहाँ पर बहुत सारे हैं तो आपका कोई भी सामान है वो बाहर नहीं रहेगा। आप देखिए बिल्कुल सॉफ्ट टच के साथ है सारा का सारा। एक अच्छी चीज़ होती है जब हमें एक अच्छा सा घर मिलता है और उसके अंदर काम है वो भी बहुत बढ़िया किया हो, तो दिल खुश होता है कि हाँ यार एक घर ले रहे हैं जो अच्छा है, तसल्ली होती है कि पूरी चीज़ें प्रॉपर हमें मिल रही हैं, पूरे घर के अंदर कोई कमी नहीं है इस घर के अंदर। देखिए स्टोरेज आपकी बहुत ज़्यादा है, आप जितना सामान भी होगा सारा का सारा अंदर आएगा, कुछ भी बाहर नहीं रहेगा यहाँ पर। ये डबल सिंक हमें यहाँ पर मिल जाता है, काफ़ी डीप है और काफ़ी अच्छा मटेरियल यहाँ पर यूज़ किया है। जितनी बाथ फिटिंग या टैप्स कुछ भी है वो सारे हमारे जो है जैगवार के रहेंगे। और खिड़की यहाँ पर, तो घर के अंदर अगर कुछ भी हम बनता है तो उसके जो कई बार धुआं है वो परेशान करता है, तो उसके लिए खिड़की हमारे पास काफ़ी अच्छी है, लाइट वेंटिलेशन के लिए भी और वैसे भी। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने बेडरूम की तरफ। इस घर के फर्स्ट बेडरूम, नीचे एक बेडरूम रहेगा और ऊपर दो,
और आप एंटर करते हैं, एक बड़े से बेडरूम का एहसास अब यहाँ पर होता है। 13x12 एक काफ़ी अच्छा साइज, सीलिंग पर बड़ा ही प्यारा सा डिज़ाइन यहाँ पर दिया गया है। जितने वार्डरोब्स हैं पूरी आपकी जो है ऊपर तक सीलिंग तक की रहेंगी और पूरी पॉलिश की गई है। एक अच्छा डिज़ाइन पूरे घर के अंदर देने की पूरी कोशिश की गई है और वो है भी है, डिज़ाइन हमें पूरा मिलता है। आप देखिए मेरे सामने बिल्कुल आपका जो बेड है, बेड के सामने आपको जो टीवी पैनल है, काफ़ी बड़ा सा टीवी पैनल है, पूरी 8 फुट की हाइट है इसकी। और इस तरफ हमारे पास जो हमारा वॉशरूम, ये कुल मिला के जो बेडरूम का डिज़ाइन है वो वाकई बड़ा शानदार सा है। अगर हम खोल के देखते हैं तो अंदर की जो है सारा डबल लेमिनेशन किया गया है, ड्रॉर्स आपके अंदर भी बने हुए हैं, काफ़ी डीप है, प्रॉपर पूरी स्पेस हमें यहाँ पूरे के इसके अंदर मिलती है और दोनों तरफ है, डबल अलमीरा हमें पूरी मिलती है यहाँ पर। तो आपके जो कपड़े हैं तकरीबन सारे के सारे, या जितनी स्टोरेज घर के अंदर हो उतना अच्छा रहता है, कोई कमी नहीं रहेगी। ड्रेसिंग एरिया हमें अलग से मिलेगा इसके साथ ही, काफ़ी अच्छे यहाँ पर भी कॉलम्स बने हुए हैं, आप जितने चीज़ें रखना चाहते हैं यहाँ पर रख सकते हैं। तो यार एक अच्छे डिज़ाइन के साथ पूरा घर हमें मिल जाता है। देखिए इस तरफ जो हमारा वॉशरूम है इसमें सिंक काफ़ी अच्छा दिया गया है और बाकी जो मटेरियल है वो भी बड़ा ही प्यारा सा दिया है। अगर मैं कलर कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो बिल्कुल अलग चीज़ है, डिज़ाइनर चीज़ हो तो दिल खुश होता है हर जगह पर। यहाँ पर पीछे भी हमारे पास जो स्पेस है वॉशिंग एरिया में काफ़ी अच्छी स्पेस है, खुला डुला एरिया है यहाँ पर, इजीली आप अपने कपड़े धो सकते हैं काफ़ी ज़्यादा, और वॉशिंग के साथ क्लोथिंग भी आपकी जो है यहीं पर पूरी हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि वॉशिंग हो गई है और उसके बाद क्लोथिंग के लिए जगह नहीं बची। तो इसे कहते हैं स्पेस मैनेजमेंट, एक अच्छे से स्पेस पूरी दी गई है पूरे घर के अंदर, कहीं जगह नहीं छोड़ी गई। स्टेयर्स के नीचे भी आपके पास काफ़ी अच्छी स्पेस है, यहाँ पर आप अपना इजीली इन्वर्टर जो है यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं, रख सकते हैं, और अलग से काफ़ी अच्छी स्पेस है। स्पेस अच्छी हो तो घर में खुला खुला एहसास रहता है, मज़ा आता है रहने में अंदर। तो दोस्तों जो हमारी स्टेयर्स है बिल्कुल ग्रेनाइट की रहेंगी और साथ में जो है स्टेनलेस स्टील की रेलिंग, और जो स्टेयर्स है हमारी ऊपर 2nd फ्लोर तक जाएंगी। देखिए स्पेस यहाँ पर जो खाली छोड़ी गई है सिर्फ इसलिए है ताकि आपके पास वेंटिलेशन काफ़ी अच्छी रहे। बहुत से घरों में हमने देखा है यहाँ पर एक ठूस ठूस के एक और छोटा सा कमरा या स्टोर बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन नहीं यार वो अच्छी चीज़ नहीं होती है। खुला हो, खुलापन हो तो मज़ा ही अलग होता है। और ये हमारा मास्टर बेडरूम बिल्कुल 14x12 का एक बड़ा सा मास्टर बेडरूम, डिज़ाइन सीलिंग डिज़ाइन हर जगह पर एक अलग सा एहसास आता है यार, लाइट पूरे घर के अंदर है। इवन आपकी जो बाहर की खिड़कियां हैं सबके ऊपर डार्क ग्लासेस है थोड़े से, स्टिल हमारे घर के अंदर लाइट पूरी आती है, तो हमें लाइट की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ना ही हमें वेंटिलेशन की रहेगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही बड़ी बड़ी खिड़कियाँ, बड़े बड़े दरवाजे, हर जगह 8 फीट के दरवाजे वो हर जगह मिल जाते हैं हमें। बालकोनी हमारे पास काफ़ी अच्छी है पीछे की तरफ, और हमारा घर जो है बिल्कुल रोड के पास है, वो आपकी रोड बिल्कुल सामने। और यही नहीं, हमारे घर के एक प्लॉट के बाद जो है हमारे पास एक पार्क आ जाता है, और यहाँ पर हमारे पास ड्रेसिंग एरिया, काफ़ी बड़ा सा ड्रेसिंग एरिया है, इसलिए हमारी जो वॉल अलमीराज है वो अंदर आ जा गई हैं यहाँ पर। स्पेस मैनेजमेंट इस घर की अगर देखी जाए तो 5 मरले के हिसाब से वाकई बड़ा अच्छा डिज़ाइन दिया गया है, स्पेस पूरी निकाली गई है। एक और वॉशरूम आपका पूरे प्यारे से डिज़ाइन के साथ, हर चीज़ एक्यूरेट है, जैगवार की फिटिंग्स आपकी, डिज़ाइनर फिटिंग्स, नॉर्मल फिटिंग्स नहीं है, प्रॉपर फिटिंग्स यहाँ पर दी गई हैं, वॉल माउंट आपकी सीट रहती है, पूरा काम जो है प्रॉपर दिल से दिया गया है, करके किए दिया गया यहाँ पर। दोस्तों बढ़ते हैं थर्ड बेडरूम है इस घर का, और ये बेडरूम भी हमारा जो रहेगा 13x12 का बेडरूम रहेगा, और प्यारा सा सीलिंग डिज़ाइन पूरे घर के अंदर बहुत ही अच्छा है, किसी भी रूम के अंदर कोई चीज़ रिपीट नहीं है, बिल्कुल अच्छे से है, पूरा डिज़ाइन अलग दिया गया है। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ जो विंडोज़ है वो बहुत बड़ी बड़ी हैं, देखिए यहाँ पर भी L-shaped विंडो है, पूरा बाहर का व्यू बहुत अच्छा आता है यहाँ पर, और लाइट जो अंदर से बाहर से अंदर आती है वो बहुत अच्छी आती है, नेचुरल लाइट हमारे पास पूरी है यहाँ पर, फ्रेश एयर यहाँ पर पूरी है। हर बेडरूम के आपके पास जो है
अलमीराज जो है आपकी वार्डरोब सीलिंग तक की हाइट की है, और डबल अलमीराज हमें हर जगह मिलती है, पूरी प्रॉपर डबल लेमिनेशन वाली हमें मिल जाती हैं। हर बेडरूम के साथ जो आपको वॉशरूम हमें मिल जाता है, बिल्कुल डिजाइनर वॉशरूम। घर में 3 बेडरूम है और 4 वॉशरूम है, एक फोर्थ बेड वॉशरूम जो है आपके गेस्ट के लिए। तो कुल मिला के यार हर चीज़ पूरी मिली हमें इस घर के अंदर, कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि यार कोई कमी रह गई हो। हर दरवाज़ा हमारा 8 फिट का रहेगा, अंदर बाहर कहीं पे भी हो, और प्रॉपर टीक वुड के हमारे दरवाजे हैं पूरे घर के। यहाँ से बाहर आते तो हमारे पास देखिए यहाँ पर जो है बालकोनी में काफ़ी अच्छी स्पेस है, इजीली आप अपनी चेयर्स लगाकर यहाँ पर बैठ सकते हैं, इवनिंग्स को एंजॉय कर सकते हैं या मॉर्निंग्स को। और ये आपकी स्टेनलेस स्टील की रेलिंग है, यहाँ पर आपका जो टफन ग्लास लगना बाकी है वो आपका जल्दी लग जाएगा। घर में हर चीज़ पूरी है, आपके मतलब से भी, आपके दिल से भी, जो चीज़ हमें चाहिए होती है वो पूरी हमें यहाँ मिल जाती है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का घर, 3 BHK का घर, डुप्लेक्स हाउस, स्टेज अंदर से है, स्टीरियर पूरी सेकंड फ्लोर तक जाती है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो आपकी आज की अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, अगर आप नए हैं चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपका कोई दोस्त है वो घर लेना चाहता है उसके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो दोस्तों इस वादे के साथ मैं आपको फिर मिलूंगा एक नए घर के साथ, तब से आपसे इजाज़त लेता हूँ, आपका दोस्त गुरविंदर, सत श्री अकाल।